मेरे दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो, मेरे प्रोग्राम को देख करके सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इसी तरह से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको प्रत्येक दिन प्रयास में हूँ कि कुंडली संबंधी, ग्रहों संबंधी आपको जानकारी दूँ। मेरा मोबाइल नंबर प्रत्येक वीडियो में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। आज मैं एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति। दोस्तों, चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको लग्न से लेके 12 भाव तक का प्रभाव बताता हूँ। जिसके लग्न में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग में कार्य करने की क्षमता होती है, बुद्धिमान होते हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना इनमें होती है। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक आर्थिक दृष्टि से परेशान रहते हैं, संघर्ष अधिक करते हैं और परिश्रम का सही लाभ नहीं मिल पाता। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग परिवार के सेवक होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं, भाई बंधुओं के सही सेवक होते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ये राजा के समान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तेजस्वी होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने कर्मों से पूर्ण सफल होते हैं और हीरो से हीरो बनते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ये सम्मानजनक शिक्षा पाते हैं, शिक्षा के द्वारा अपना प्रतिष्ठा बनाते हैं, समाज में इनको सरकार के तरफ से, मित्रों के तरफ से, समाज के तरफ से इनको अच्छे दृष्टि में देखा जाता है और अपने शिक्षा का के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग भावना के कारण शत्रु नहीं होते हैं, जिद्दी नहीं होते हैं, क्रोधी नहीं होते हैं, चरित्रवान होते हैं, इनके चरित्र पर कोई आंच नहीं आता। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं जाता है, पत्नी है तो पति से, पुरुष है तो पत्नी से हमेशा कष्ट पाता है, कुंवारे लड़का लड़की हैं तो इच्छानुसार शादी में रुकावट आता है। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, सोच में अच्छे होते हैं, मेहनत करने में सबल होते हैं और कभी भी ऐसे लोग का अल्प आयु नहीं रहता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, सरकार छोटे पद से प्रशासनिक पद तक जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग का जीवन संघर्षमय जाता है, ऐसे लोग की प्रतिष्ठा बर्बाद होती है, जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, कर्जे में रहते हैं। जैसे कुंडली में ग्रहवें भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग का जीवन उतार चढ़ाव में रहता है, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड होते हैं, ऐसे व्यापार में हैं तो व्यापार में लाखों करोड़ों का घाटा खा जाते हैं और हमेशा आर्थिक परेशानियों में रहते हैं। जिसके कुंडली में 12वें भाव में चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, विदेश जाते हैं, इनके संतान योग्य होते हैं और चौथापन इनका सुंदर व्यतीत होता है, सम्मानजनक इनकी उम्र होती है, अल्पायु नहीं होता है और अपने जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, सफल खिलाड़ी बनते हैं। ये छोटा सा वीडियो चंद्र गुरु सूर्य की युक्ति
आपके जीवन में लाता है बदलाव, आपके जीवन का निर्माण करता है। ये मैंने बनाया, देखो शांतिपूर्वक आप लोग सुनिए, और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करिए। नमस्कार।